अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से हैं। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको एक मॉल की सैर करा रही हूँ। देखिए कितने मज़े के वाइट ड्रेसेस दिख रहे हैं हमें। तो एक्चुअली सऊदीया में सिनेमाज ओपन हो रहे हैं, यकीन शायद आप सबको भी पता होगा। ये मेरी फैमिली घूम रही है यहाँ पे, तो हम इस मॉल में इसलिए आए ताकि हम भी देख लें कि आज उसकी ओपनिंग है तो कैसा चल रहा है, लोग कैसे आ रहे हैं। तो चलें साथ साथ मॉल के अंदर से होते हुए हम वहाँ सिनेमा पे जाएंगे, साथ साथ कुछ शॉप्स भी देख लेते हैं। ये ब्लू एज आ गई, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ज़बरदस्त है। तो ये देखते हुए हम जाएंगे आगे सिनेमा तक जाएंगे। तो देखते हैं, चलें साथ साथ मॉल की सैर भी करते हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और कुछ हमें ग्रॉसरी भी करनी है। ये नेक्स्ट भी बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, जो यूरोप के रहने वालों को तो ये शायद ब्रांड्स अच्छी तरह पता होंगे, क्योंकि ये बहुत वहाँ पे तो कॉमन है, लेकिन यहाँ सऊदीया में भी मतलब ये बहुत ज़्यादा है। मतलब तकरीबन हर मॉल में इनकी कहीं ना कहीं ब्रांचेस हैं। तो हाइपर पांडा भी है इसमें, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं ये बहुत बड़े बड़े सऊदीया में, तो हमने वहाँ से कुछ ग्रॉसरी करनी है। और ये जी हम पहुँच गए इस एरिया में, उन्होंने सिनेमा ओपन किया है और उसकी ये एंट्रेंस वगैरह बनाई है बड़ी ज़बरदस्त। तो ये मेरा बेटा थम्स अप करता हुआ जा रहा है। हम तो जस्ट एक राउंड लेने आए हैं कि चलो थोड़ा देखें, लेकिन मेरी छोटी बेटी है तो उसको प्ले एरिया में हर सूरत जाना है। अल मकान मॉल हम लोग आए हैं तो उसको ज़रूर वहाँ विज़िट करना है, लेकिन हम उसको बड़ी मुश्किल से लेके आए कि यार थोड़ा सा तो हमें चेक करने दो, क्या गहमा गहमी है, क्या गैदरिंग्स हैं, क्या लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये भी उन्होंने एक बनाया हुआ है कि फ़ोटोशूट सा, कि जी अगर आप पिक्चर्स वगैरह लेना चाहें यहाँ पे। अभी मज़ीद इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है साथ साथ कुछ और चीज़ों की, लेकिन ये AMC सिनेमाज आ गए और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है इसका बनाया है बाहर से, जो इसकी एंट्रेंस बनाई है। तो आप देख रहे होंगे कि अब आपको बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो हैं सऊदी लेडीज़, वो भी स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर हर जगह दिखेंगी काउंटर्स पे। ये देखेंगी कोरोना वो चेक कर रहा है टेम्परेचर, और ग्लव्स पड़े हैं, सैनिटाइज़र पड़ा है। ये बाहर कॉफ़ी शॉप, टक शॉप और टिकटिंग वगैरह हर चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। हमें अच्छा लगा देख के, नीट एंड क्लीन और हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। लोग आए हुए हैं और मूवी शुरू हो चुकी थी, इसलिए बहुत सारे लोग मतलब अंदर जा चुके हैं। हम लोग तो बहुत लेट आए हैं क्योंकि हमें मूवी नहीं देखनी थी, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सऊदीया में, हमारे सिटी में मतलब फ़र्स्ट टाइम ये हो रहा था, तो थोड़ा सा गहमा गहमी देखने के लिए बच्चे एक्साइटेड थे काफ़ी। ये देखिए बड़े मज़े मज़े कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें एक स्टॉल टाइप के कह लें लगाए हुए हैं। सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। चलें जी हम तो उस जगह से बाहर आ गए। ये ब्लैक फैशन, इनके अबायास बहुत फेमस हैं यहाँ पे और महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बड़ा मॉल है, मैं आपको सब तो नहीं विज़िट करा सकती, लेकिन चलें कुछ कुछ शॉप्स जो मुझे अच्छी लगती हैं। ये इनके कैजुअल ड्रेसेस हैं सऊदी लेडीज़ के, वो हम एक्चुअली अबायाज़ में देखते हैं तो हमारे जहन में यही होता है, लेकिन यकीन करें इनका लाइफ स्टाइल टोटली यूरोपियन लाइफ स्टाइल है। ये इनकी कॉमन शॉप्स हैं, ब्रांडेड शॉप्स पे चले जाएं, कॉमन शॉप्स पे चले जाएं, आपको इसी तरह के ड्रेसेस मिलेंगे। या स्कर्ट शर्ट हैं, या पैंट शर्ट्स हैं, या इस तरह से मैक्सीज हैं, स्मॉल फ्रॉक्स हैं। और ये भी देखें, ये लॉन्ग मैक्सीज हैं, ये अनस्टिच उन्होंने लगा रखी हैं, मतलब डिज़ाइन के लिए कि आप यूं इन्हें सिलवा सकते हैं। और ये स्टिच तो फ्रॉक्स या मैक्सीज कह लें, बड़े खूबसूरत कलर्स और बहुत अच्छी स्टिचिंग। लेकिन ये कॉमन शॉप है, ये ब्रांडेड शॉप भी नहीं है, लेकिन आप देखें कितनी ज़बरदस्त कलेक्शन है इनकी, क्योंकि इनके लिए कॉमन ड्रेस यही है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल बुटीक्स होते हैं, नॉर्मल शॉप्स होती हैं, या रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, ये इसी तरह की शॉप्स हैं। कितने देखें अच्छे कलर्स और
बहुत ज़बरदस्त स्टिचिंग। मैंने कहा चलें दो चार क्लिप मैं इन चीज़ों की भी ले लूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली लोग जो सऊदी आते हैं वो मक्का और मदीना से आते हैं और एक लिमिटेड से एरिया से घूमते हुए वापस चले जाते हैं, उन्हें एक्चुअल सऊदीया का तो आइडिया ही नहीं है। ये टेरानोवा जो है ये भी काफ़ी फेमस ब्रांड है। तो ये हम असल में वापस आते हुए हमें बहुत देर हो गई प्ले एरिया से, तो देर हो गई, शॉप्स क्लोज होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये क्लोज हो चुकी हैं लेकिन फिर भी मैं एक एक क्लिप लेती जा रही हूँ। ये डिफेक्टो वालों का स्टोर है बहुत बड़ा। HM है वो बंद हो चुका है इस तरफ। मैं आपको ये मैक्स आ गया है, मैं आपको बता रही हूँ कि दुनिया जहान के ब्रांड हैं। ये बहुत बड़ा मॉल है, मैं तो इसको कवर नहीं कर सकती दिन में, लेकिन जस्ट थोड़ा सा वीडियो भी बहुत ऐसे हल्की हल्की बनाई है मैंने। तो ये बेसिक्स भी क्लोज हो चुका था। और ये कौन जोन हम वापस आ रहे हैं, बस ये कौन जोन है, बहुत फेमस आइसक्रीम है यहाँ की। और ये साथ में हाइपर पांडा है, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं और तकरीबन पूरे सऊदीया में हैं। ये हमने दो चार चीज़ें लेनी थी, ये हमने ले ली और हम बाहर निकल आए हैं। बहुत रात हो चुकी थी, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं और हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था क्योंकि रात हो गई है ना, तो गर्मी नहीं, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए जहाँ तक आपको लाइट्स दिख रही हैं ना, ये मॉल वहाँ तक जा रहा है, तो बहुत मज़ा आया। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी फैमिली बैठ चुकी है तो मैं भी बैठने लगी हूँ। और ये देखिए हम चल रहे हैं और आप मेरे साथ साथ देखेंगे राइट साइड पे कि ये कितना आगे तक ये मॉल हमारे साथ चलता जाएगा। इसकी पार्किंग भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल है। तो जहाँ तक आपको लाइट्स दिख रही है ना, ये वहाँ तक जा रहा है। तो हम तो यहाँ से खैर हम बाहर की तरफ टर्न ले लिया है, मेन रोड पर आ गए हैं हम पार्किंग से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा मिलूंगी आपसे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।